अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबो H63 ये आप मॉडल देख सकते हैं, इसका अगर आपसे पासवर्ड लग जाता है तो आप किस तरह इसको रिमूव करेंगे। जस्ट आपके पास पीसी होना चाहिए, तो उसमें आप दोस्तों के पास USB ड्राइवर होने चाहिए SPD वाले। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और दूसरा मेरिकल का क्रैक, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये आपने दोनों डाउनलोड कर लेने हैं, और USB के ड्राइवर मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं तो मैं उनको इंस्टॉल नहीं करूँगा। मेरिकल को मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको ओपन करने से पहले आपने अपना एंटीवायरस बंद कर लेना है, अगर एंटीवायरस ऑन हुआ तो फिर ये ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों क्योंकि ये मोबाइल SPD का है, तो हर SPD मोबाइल की एक बूट की होती है, तो इसकी बूट की कैसे आपको पता लगेगी। दोस्तों कोई भी मोबाइल हो उसकी आप अगर बूट की पता लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह लगाएंगे। अगर दोस्तों बूट की आपको मुसीबत लगती है, आप नहीं ढूंढना चाहते, तो ये एक मार्केट से बूट जिग मिलती है, मेरिकल की बूट जिग। ये आप USB की केबल के सामने लगाएंगे, यहाँ पे ये इसके सामने लगा के तो कनेक्ट करेंगे आगे मोबाइल, फिर आपको किसी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद ब खुद बूट की उठा लेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये मोबाइल, इसका मेरिकल पे आपने जाके SPD पे क्लिक करना है, और मैं रीड इन्फो इसकी कर लेता हूँ। ये रीड इन्फो पे क्लिक करके यहाँ पे चूज टाइप जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने करना है 6631E, क्योंकि ये 6531E है तो मेरिकल वालों ने 6631E लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट करके तो हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब हम बगैर किसी बटन दबाए सिर्फ ये बैटरी निकालनी है और लगा देनी है वापस, और कोई बटन नहीं दबाना क्योंकि मेरे पास बूट जिग है। तो ये इस तरह लगा लेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे ये रीडिंग शुरू हो गई है। तो अब दोस्तों दूसरा जो पार्ट है वो है फ्लैश फाइल का। मैं दोस्तों पहले आपको फ़्लैश फाइल भी दे देता हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप फ्लैश फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा था कि आपने बूट की किस तरह ढूंढनी है, सारे बटनों से आपने चेक करना है। यानी फ़र्ज़ करें मैं एक वाला बटन दबा के तो ये ऑन करता हूँ, तो ये अगर फ़ोन ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये इसकी बूट की नहीं है। यानी एक वाला बटन दबा के साथ में पावर ऑन वाला बटन दबाना है, और साथ में अब मैं इसका स्टार वाला बटन दबा के ये पावर वाला बटन दबाता हूँ, तो अगर इस पे भी ऑन होता है तो इसका मतलब है ये भी इसकी बूट की नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बूट ये की नहीं आ रही। मुझे इसकी मालूम है दोस्तों, इसकी मेन्यू बटन है, तो इसलिए मैं टाइम ज़ाया किए बगैर ये आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेन्यू का बटन दबा के और मैं ऑन कर रहा हूँ, दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये ही इसकी बूट की है। अब हमने क्या करना है, ये रीड का बटन इस पर क्लिक करके ये 6631 ही रहने देना है, और स्टार्ट का बटन दबा देना है, और यहाँ पे अब मैं इसकी बूट की ये मेन्यू का बटन है तो ये दबा के तो इसमें केबल लगाता हूँ, तो जब ये रीडिंग नीचे पट्टी चलनी शुरू हो जाए तब आपने बटन से हाथ उठा लेना है। अब दोस्तों हमारी जो फाइल है वो रीडिंग हो रही है, तो ये कुछ ही देर में ये आप देख सकते हैं कंप्लीट हो के आ गई है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने रीनेम कर दिया है और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेव हो चुकी है, ये डॉक्यूमेंट्स में चली गई, तो दोस्तों ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। तो इसका लिंक मैंने आपको जैसे कि बताया है कि डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पासवर्ड नहीं है। अब दोस्तों क्योंकि ये वीडियो अनलॉकिंग की थी, तो नीचे मैंने ये RD अनलॉक का बटन बना हुआ है, ऑप्शन है, तो ये हमने इसके ऊपर क्लिक करके तो SPD 6631E ये आपने ज़रूर याद रखना है, चूज टाइप के सामने 6631E होना ज़रूरी है। उसके नीचे फिर से स्टार्ट का बटन दबा देना है,
तो अब हमने दोबारा से ये केबल निकाल बैटरी निकाल के फिर से डालनी है, और ये मेन्यू वाला बटन दबा के तो हमने केबल लगा देनी है। तो हमें यहाँ पे एक कोड बता दिया जाएगा कि इसका कोड क्या है। तो अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो कोड आ रहा है वो है, स्क्रीन लॉक के सामने एक लिखा हुआ है 0111, और दूसरा इसका लॉक है 3111, और चौथा है, तीसरा है 111, और आगे 3 है। अनलॉक कोड के सामने 1234 है, अनलॉक कोड फिर आ गया है 1470, और स्क्रीन लॉक है 2111, और प्राइवेसी कोड है 1234। तो दोस्तों इसमें कौन सा कोड होगा, ये हम सारे बारी बारी ट्राई करते हैं, जो कोड हुआ यहीं से कोई ना कोई इसका कोड होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इसमें से कोड लगा के चेक करते हैं। तो केबल निकाल के दोबारा हमें फिर से बैटरी निकालनी पड़ेगी, निकाल के फिर डाल के हमने इसको ऑन कर लेना है। तो अब दोस्तों कोड, क्योंकि हमें जो बताए थे पहला कोड है 0111, तो ये इस पे नहीं लगा। दूसरा है 3111, ये भी नहीं लगा, और चौथा है 111 और 3, ये भी नहीं लगा इस पे। फिर है 1234, वो हमने चेक किया हुआ नहीं है। 1470, 1470 ये लगा दिया। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कोड इस पे लग चुका है, तो ये मोबाइल हमारा अनलॉक हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।